तो स्वागत है आप सबका। आज हम हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। गर्म है तो आइस टी पीना, फिर गांड में दम नहीं है तो दिखावे की जरूरत क्या है। और ये चूती औरत चाय को पी कैसे रही है, मतलब एकदम ध्यान से देखना, ऐसे लग रहा है वो चाय को चबा के पी रही है। पता नहीं ये दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक औरत चाय को चबा के पीती है और इस वजह से वो औरत पिछले 4 हफ्ते से ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है। वाह, कभी कभी तो लगता है कि मैं ही चूतिया हूँ जो इतना मेहनत कर रहा हूँ। मुझे भी लगता है इस औरत की जैसा कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। चलो आज कोशिश कर ही लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इंदुले का ब्रिंगा ऑयल लगाइए और अपने झट के बाल बढ़ाइए। हेलो फ्रेंड्स, परफ्यूम को अपने गांड पे मारिए ताकि जब आप पादे तो खुशबू निकले, बदबू नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेसी और रोनाल्डो दोनों चूतिए हैं, सुनील छेत्री जिंदाबाद। बस इससे ज्यादा मैं और नहीं कर सकता। अरे रुकिए रुकिए, मेरा मतलब वीडियो खत्म नहीं हुआ, मेरा मतलब इससे ज्यादा चूतियागिरी मैं और नहीं कर सकता। और मुझे मेरा वीडियो ट्रेंडिंग पे चाहिए, जैसे तैसे करके ट्रेंडिंग पे चाहिए, क्योंकि मैंने इस चूतियागिरी के लिए रोनाल्डो और मेस्सी तक को बीच में लाया। मुझे जैसे तैसे करके मेरा वीडियो ट्रेंडिंग पे चाहिए, मुझे नहीं मालूम। और ये औरत यहीं पे नहीं रुकी, उसने म्यूजिकली पे भी वीडियो बनाया। चलो उस पे भी नजर मारते हैं। इस आदमी को देख के पता चलता है कि जिंदगी में थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, क्योंकि इस चूतिया को ये नहीं समझ रहा है कि इसको गोली पड़ी है, इसको पीछे से कोई हैंड्स अप करने नहीं बोल रहा है। साला साउथ मूवी के विलेंस भी ऐसे नहीं मरते गोली खाने के बाद। और अगर ये आदमी गोली खाने की ही एक्टिंग कर रहा है तो प्रिया प्रकाश और वो लड़का जिसके बारे में कोई जानना नहीं चाहता, तुम दोनों एक्टिंग सीखो इनसे। और ये सिलसिला यही पे खत्म नहीं होता, इस वीडियो को फॉरेनर्स तक देखना चालू कर चुके हैं। ये वीडियो को देख के ना मुझे एक जोक याद आया जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो बराक ओबामा इंडिया आते हैं और हमारे अपने लालू प्रसाद जी से मिलते हैं, और मिलने के बाद बराक ओबामा बिहार घूमने चले जाते हैं, और बिहार घूमने के बाद बराक ओबामा फिर से अपने लालू प्रसाद जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि आपके बिहार का तो रास्ता अच्छा नहीं है, लोग रास्ते पे मूत रहे हैं, पान थूक रहे हैं, ये वो रास्ते पे गाय चल रहा है, आप एक काम कीजिए, बिहार को मुझे 6 महीने के लिए दे दीजिए, मैं बिहार को अमेरिका बना दूंगा। तो हमारे लालू प्रसाद जी बोलते हैं, अरे बुड़बक, तू अमेरिका मुझे 1 महीने के लिए दे, मैं अमेरिका को बिहार बना दूंगा। बस इसी आदमी के साथ भी यही हुआ है, पूरा जिंदगी इसने हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय फ्रेंड्स, हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, यही सीखा है। लेकिन हमारे एक आंटी के एक वीडियो ने इस टकले को अंदर से हिला दिया है। देखो इस बेचारे को, इसके माँ बाप ने सोचा होगा क्या, बड़ा होके ऐसा करेगा, ऐसे जीभ लपलपाएगा ये। लेकिन हम भारतीय किसी की भी सोच की गांड मार सकते, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये सब, इसीलिए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस विदेशी का अंदर से स्क्रू ढीला हो चुका है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्क्रू ढीला ना हो तो हमको फेसबुक पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो थैंक यू, बाय।